अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एम्पिरिकल फार्मूला। क्लास है फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। प्रॉब्लम नंबर 1, एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड और उसमें ये एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। 4.24 ग्राम्स ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंप्लीट कंबस्शन गेव 6.21 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो इसका सैंपल हमें मिला है एसिटिक एसिड का, वो है 4.24 ग्राम्स और जब इसकी कंबस्शन होती है तो इसमें से हमें हासिल होता है 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला इसका मालूम करें, तो हम डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले गिवन हमारे पास एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये चीज़ें इनमें मौजूद हैं। अब आइए हमें आगे इनका जो चीज़ें मिली हुई हैं वो लिखते हैं। मास ऑफ सैंपल हमें गिवन है 4.24 ग्राम्स और उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, सो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 6.21 ग्राम्स और हमें पानी का यानी वाटर का भी मास गिवन है, सो मास ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 2.54 ग्राम्स। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला हमें मालूम करना है तो EF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हमें जहन में रखने पड़ते हैं और ये स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे किस तरह से ये हल करते हैं, तो बहरहाल उस वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आइए देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 है एलिमेंट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एलिमेंट्स हमें गिवन है, डेटा में मौजूद हैं और ये स्टेप हमारा हल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 हम ये हल करेंगे देयर मासेस, इन एलिमेंट के मासेस हम मालूम करेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो निकालेंगे और उसके बाद मोल रेशो एलिमेंट्स का इनका निकालेंगे और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स या सिंपलेस्ट रेशो ऑफ इन एलिमेंट्स का जो हम निकालेंगे और जब सिंपलेस्ट रेशो मिल जाएगा तो हम उनकी रेशो की जगह पे हम उन एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा हमें एम्पिरिकल फार्मूला। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आइए आगे जाके हम हल करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम लेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्स गिवन है तो हम डायरेक्ट इन एलिमेंट्स के मासेस निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए स्टेप नंबर 1 है मास ऑफ एलिमेंट हमें मालूम करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन हमें गिवन है तो कार्बन का मास निकालना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला है मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का 1 मोल है, कार्बन का 1 मोल यानी सी का 1 मोल बनेगा 12 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का जो मास है वो है 44 यानी मोलर मास हम यूज़ करेंगे, एक मोल का मास गिवन हमें जो मासेस गिवन है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 6.21 ये हमें गिवन मास हमारे डेटा में मौजूद है। तो जब हम इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 1.70 ग्राम्स। तो ये हमें मास मिला कार्बन का। इसी तरह से आगे जाके हमें हाइड्रोजन का मास मालूम करना है, सो मास ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से देखेंगे। अब पानी में आप देखेंगे H2O हमें गिवन है तो H2O में हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो हैं 2 मोल। अब जो हमारे पास है वो यानी 2 ग्राम्स होगा हाइड्रोजन का डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 2.54 जो गिवन मास है पानी का, जब इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 0.28 ग्राम। सो दिस इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हमने दो एलिमेंट्स का यहाँ पे मास हमने हासिल किया है क्योंकि दोनों कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में एंड H2O में ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसीलिए हम किस में से जो है वो मास निकालेंगे।
इसीलिए अब यहाँ पे हम छोड़ देंगे मास, इस स्टेप में ऑक्सीजन का नहीं निकालेंगे। अब हम जाते हैं स्टेप नंबर टू में, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। अब आइए, अब जो हमने मास निकाले हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, इनको यूज़ करके हम कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला हमें पता है, मास ऑफ कार्बन जो हमने अभी स्टेप यूज़ किया, जो मास ऑफ कार्बन था, डिवाइड बाय सैंपल मास, मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो 1.70 मास था कार्बन का, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 4.24 जो है हमने मास ऑफ सैंपल जो था, जो हमने डेटा में लिखा था, उसे डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 40% कार्बन। यानी इस कंपाउंड में, एसिटिक एसिड में जो कार्बन है वो है 40%। हमने परसेंटेज कार्बन की निकाल दी। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन की तरफ, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे बिल्कुल सेम मेथड से। जब हम इस वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल, तो हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.28 हमने मास निकाला था, ये है हाइड्रोजन का मास, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4.24 जो सैंपल का मास था। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 6.60% ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज है। अब हमें इस स्टेप में ऑक्सीजन की भी परसेंटेज चाहिए ताकि आगे जाके मोल रेशो निकालें। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक मेथड है कि हम दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को प्लस करके 100 से माइनस करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी। तो क्या करें, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो 100 माइनस 40% है कार्बन, प्लस में 6.60% है हाइड्रोजन। हम इन दोनों को प्लस करके जब माइनस करेंगे 100 से, तो हमें हासिल होता है ये वैल्यू, हासिल होगा 53.4%। ये ऑक्सीजन की परसेंटेज है। इस तरह से हमने यहाँ पे परसेंटेज एलिमेंट्स की हासिल कर ली है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इस तरह से जब हमने परसेंटेज निकाल ली तो हमें अभी मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। सो मोल रेशो ऑफ कार्बन परसेंटेज हमने यूज़ की, सॉरी निकाली थी, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे और डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से। तो इस तरह से हमें हासिल होगा 40% थी डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3.33 मोल्स। तो ये हैं कार्बन के मोल्स। इस तरह से हम हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो इस तरह से 6.60% थी हाइड्रोजन की, डिवाइड किया हमने एटॉमिक मास 1 से, तो इस तरह से हमें हासिल हुआ 6.60 मोल्स। ये हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमने हासिल जो की थी डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो 53.4% थी ऑक्सीजन की, डिवाइड किया 16 एटॉमिक मास है, तो हमें हासिल हुआ 3.33 मोल्स। तो इस तरह से ये मोल्स हैं इन एलिमेंट्स के। अब आइए आगे स्टेप को हम डिस्कस करते हैं, हल करते हैं। सिंपलेस्ट रेशो निकालना है एलिमेंट्स का, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने मोल रेशो थे इनको यूज़ करेंगे आगे जाके। तो कार्बन का हम कैसे लिखेंगे, कार्बन के सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ से देखेंगे कितने थे, 3.33 डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल। अब देखेंगे जो हमने ऊपर मोल निकाले थे इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लीस्ट वैल्यू है 3.33। तो हम 3.33 मोल्स ऑफ कार्बन को डिवाइड करेंगे लीस्ट से, लीस्ट है 3.33, सो इज इक्वल टू 1। इनको जब डिवाइड करेंगे तो मोल रेशो हमारे पास कार्बन का है 1। और इसी तरह से हाइड्रोजन का जब हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो मोल रेशो है कार्बन का 6.60 डिवाइड बाय लीस्ट से डिवाइड करेंगे तो 3.33 से, तो आंसर है हमारे पास 2। इसी तरह से ऑक्सीजन का मोल रेशो निकालेंगे तो 3.33 मोल रेशो था, डिवाइड करेंगे लीस्ट मोल रेशो से, लीस्ट मोल रेशो है 3.33, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर आएगा 1। तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट रेशो है कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह से इसके बाद जब हमें सिंपलेस्ट रेशो मिल जाता है तो हम अब उसके इनके बजाय हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल और इनके साथ इनका रेशो लिखेंगे। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला बना C1H2O, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। सो दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड जो हमें गिवन था, और इस तरह से हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लिया है।